मेरा नाम तौसीफ़ नज़ीर है, मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। जहाँ तक बात है ये पांजल स्प्रिंग की, तो पांजल स्प्रिंग में जो ये हमारे यहाँ जो ये फिश फेस्टिवल लगता है जहाँ पे हम मछलियाँ पकड़ते हैं, तो ये बहुत सालों से चला आ रहा है। जो इस गांव के लोग हैं, पुराने लोग थे, तो उन्होंने ये फेस्टिवल इसलिए स्टार्ट किया था, वो इस स्प्रिंग को साल में एक बार साफ़ करते थे। फिर धीरे धीरे बहुत सारे गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं, हम भी जाते हैं और यहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं। इससे आसपास के गाँव को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। जो इस स्प्रिंग से पानी निकलता है साफ़ होके, तो वो पूरे साल इस्तेमाल किया जाता है, चाहे एग्रीकल्चरल लैंड में हो चाहे हॉर्टिकल्चर लैंड में हो, इससे काफ़ी फ़ायदा उनको मिलता है। और ये बहुत सालों से चला आ रहा है, पुराने लोगों ने इसको स्टार्ट किया था ताकि ये स्प्रिंग जो है साल में एक बार साफ़ किया जाए और फिर पूरे साल इस स्प्रिंग का पानी जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड में, हॉर्टिकल्चरल लैंड में इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे इस दिन काफ़ी गांव से, जो आसपास के बहुत लगभग सारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लोग आते हैं और इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं, और हम भी यहाँ पे बहुत तादाद में लोग आते हैं, फिश पकड़ते हैं और इस स्प्रिंग की सफाई करते हैं, जिससे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जो ये पांजत स्प्रिंग है, एक्चुअली इसका नाम जो है पांजत बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये कश्मीरी वर्ड है पांच हथ, जो जिसका मतलब होता है कि 500। तो इस ना 500 स्प्रिंग्स निकलते हैं यहाँ से और सारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में उनका पानी जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर मेरा नाम गुल मोहम्मद गनाई है, मैं एक पांजत गाँव का रहने वाला जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब आप बोल रहे हैं, अब ये जो चश्मा है ना, इसके बारे में आपको बताऊँगा। ये मेरे ख्याल में फ्रेश वाटर वाला चश्मा कश्मीर का सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा। इसमें मछलियाँ भी होती है, पानी की बहुत होती है इसमें, ज़्यादा इतना किसी चश्मे में पानी नहीं निकलता जितना इसमें निकलता है। आप इसकी हिस्ट्री सुनो, ये चश्मा 500 जगह पर निकलता है, इसीलिए इसका नाम है पांजत। राजतरंगनी में भी इसका जिक्र है, राजतरंग में इसको पांजत कहते हैं, पांजत यानी 500। तो फारसी में इसका नाम पड़ा है पांसद। आहिस्ता धीरे धीरे होले होले गठके गठके पांजत बन गया। अब जो ये पांजत चश्मा है, ये यहाँ से 1 किलोमीटर आगे निकलता है, जहाँ हमने बांध बनाई है आर्जी तौर पर अपनी ज़मीन के लिए, तो उसमें भी मछलियाँ होती है। मछलियाँ इसमें बड़ी कसरत से पाई जाती है, खासकर ट्रोट मछलियाँ और कश्मीरी मछलियाँ। चूँकि जब हमको बचपन से हम सुनते आए, हमारे जद अजदाद जो पुराने बंदे हैं यहाँ के रहने वाले, उनसे हम कह के सुनते आए हैं कि उन पांडों में सफाई सुथराई भी होती है, तो उसके लिए हमने एक दिन मुकर्रर किया है। उस दिन हमारा गांव है, जो आसपास के गांव हैं वो भी जाते हैं उधर टोकरियाँ वोकरियाँ लेके, तो उस गाँव में उस चश्मे उस जो 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 पांडस है ना, उसमें उतरते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। जो उसमें वो भीड़ वगैरह होती है उसको हटाने के लिए, लोग जब उसमें हज़ारों की तादाद में घुसते हैं तो वो अपने आप निकल जाती है, तो चश्मा साफ हो जाता है। उसमें पानी की बहतात होती है, ज़्यादा पानी निकलता है, जो कि कम से कम 50 गाँव की ज़मीन को सैराब करता है। 30 गाँव के लिए यहाँ से वाटर सप्लाई निकलती है। इस चश्मे के पास एक ट्रोट हेचरी भी है, जितनी जल्दी उसमें मछली बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी किसी जगह नहीं हो जाती है। ये इस गाँव की खासियत है। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए SRK Films की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।